ये है वक्त मीडिया। शाहजहांपुर के तिलहर में तहजीबे तिलहर ने ऑर्गेनाइज किया ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के कन्वीनर रहे तिलहर में गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखने वाले नेक दिल खूबसूरत इंसान आईपीएस जनाब शिव मुरारी सहाय साहब। इस मुशायरे के को कन्वीनर रहे तिलहर की इल्मी और अदबी शख्सियत जनाब बसीरुद्दीन उर्फ आमिर मियां। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन में तिलहर के नौजवान शायर जनाब शमशाद आतिफ तिलहरी की किताब आखिर कलियां चटक गईं का इजरा अमल में आया। इस मौके पर कटरा के विधायक जनाब विक्रम वीर सिंह प्रिंस साहब भी मौजूद थे। बरेली शहर की तरफ चलना चाहता हूँ और बरेली शहर से तशरीफ लाए एक मुमताज कवि जिसकी शिरकत मुशायरों में भी रहती है, उतनी ही कवि सम्मेलनों में रहती है। राकेश के मायनी चंद्रमा के होते हैं। मुझे पूरा एतमाद है कि वो अपनी चांदनी से इस मुशायरे की फजाओं को पुरनूर फरमा देंगे। जुगनू सितारे चांद सभी दूर हो चुके, तब ऐ दिया तुझे ही बुलाना पड़ा मुझे। अब महताबी गजलों की किरणें बिखेर कर पुरनूर कर दे रात खुदा की कसम तुझे। जनाबे डॉक्टर राकेश यदुवंशी साहब जो रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज में साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने कलाम से नवाजें। आपसे गुजारिश करता हूँ जोर तालियों से अपने मेहमान शायर का इस्तकबाल कीजिए जनाबे डॉक्टर राकेश यदुवंशी। शुक्रिया हिलाल साहब। माँ शारदे को नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। वैसे तो देखिए थोड़ा बहुत मैं शायरी कर लेता हूँ, दो चार अशार बोल लेता हूँ। अभी तक बरेली से तिलहर तक के सफ़र की यादें मेरे जहन में ताज़ा हैं। बड़ा अच्छा सफ़र था, मेरी पीठ अभी तक याद कर रही है, हिलाल साहब की भी कर रही होगी। और ये हमारा नेशनल हाईवे है, बाकी सड़कों की तो बात ही छोड़ दीजिए। चार पंक्तियां मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। जरा मौसम बदलता है ये हमसे रूठ जाती है, पकड़ से इनकी मिट्टी और गिट्टी छूट जाती है। वाँ वाँ। अब देखिए जहाँ दोष होता है मैं वही दोषारोपण करता हूँ और खासतौर पे मैं सरकार के खिलाफ तो कुछ भी नहीं करता। जरा मौसम बदलता है ये हमसे रूठ जाती है, पकड़ से इनकी मिट्टी और गिट्टी छूट जाती है। हमारे गांव की सड़कों की ये आदत अजब सी है, हमारे गांव की सड़कों की ये आदत अजब सी है। बनेंगी साल में बरसात में एक टूट जाती है, बनेंगी साल में बरसात में टूट जाती क्या है। क्या कहने वाह। और मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग मेरे हौसला अफजाई करें और पीछे से मैं चाहता हूँ मेरा हौसला बढ़ाया जाए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। शुक्रिया। आजकल ताली भी खुद कह के बजवानी पड़ती है। मोहब्बत की दो चार पंक्तियां आपके सामने पेश करता हूं, मुक्तक आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। के एक टूटे हुए दिल के अरमान है, आशिक प्यार में तड़पे मोहब्बत उसकी जिंदा है। क्या कहने। जले शम्मा तभी तक तो हस्ती उसकी जिंदा है। इस जालिम जमाने को कभी का छोड़ देते हम, इस जालिम मरने की तमन्ना है कि जिंदा है। क्या कहना।
एक मुक्तक और आप देखें। मेरे ख्वाबों में उड़ता है वो आंचल भी तुम्हारा है, वाह वाह, ये सावन भी तुम्हारा है, ये बादल भी तुम्हारा है। क्या कहने, जमी से आसमां तक है ये सारी मिल्कियत तेरी। क्या कहने, वाह। जिसे कहती हो तुम पागल वो पागल भी तुम्हारा है। वाह वाह वाह। जिसे कहती हो तुम पागल वो पागल, पागल भी तुम्हारा भी है, तुम्हारा है। वाह वाह वाह। चंद अशआर आपके सामने और पेश करता हूं। डॉक्टर साहब वो दहली वाली गजल सुना दीजिए। दहली वाली, दिल्ली वाली जी। चलिए मैं आपके एक मुक्तक के बाद आपको सुनाता हूँ। रात और दिन पहर आठों सुबह और शाम करती है। क्या कहने, तुम्हें खुद भी नहीं मालूम ये क्या क्या काम करती है। वाह वाह वाह। सभी बंदूक बम तलवार मिलकर कर नहीं पाए, तुम्हारी एक मुस्काहट जो कत्ले आम करती है। वाह 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 वाह। और जैसा कि हिलाल साहब ने मुझे आदेश दिया है, देखिए अगली एक छोटी सी जो गजल है, आप यकीन मानिएगा, मेरा दिल्ली का अभी एक सफर हुआ था, एक मॉल में, दिल्ली में बहुत सारे मॉल हैं, एक मॉल में ये तैयार हुई। मैं मॉल में गया, मैंने देखा बहता हुआ पानी उनके झरने से, तरह तरह के पॉपकॉर्न जिसको हम लोग जानते हैं मक्का होती है, इतने सारे थे, मुझे नाम भी पता नहीं कौन कौन सा फ्लेवर था, और तरह तरह के सलाद जिसमें पता नहीं कौन कौन सी घास फूस थी। अब देखिए मैं दिल्ली का जो चित्रण है आपके सामने मैं पेश करता हूं, और ये केवल एक गजल नहीं है, ये 70 सालों की कहानी है जो आजादी से अब तक लिखी गई है। कुछ तो है यार खास दिल्ली में, कुछ तो है यार खास दिल्ली में, कुछ तो है यार खास दिल्ली में, हो रहा बस विकास दिल्ली क्या कहने, वाह वाह। कुछ तो है यार खास दिल्ली में, वो अपने देश में तो आया था, वो अपने देश में तो आया था, रह गया पर विकास दिल्ली में। क्या कहने, वाह वाह वाह। रह गया पर विकास दिल्ली क्या कहने, यूं ही सड़कों पे बहती फिरती है, यूं ही सड़कों पे बहती फिरती है, मेरे खेतों की प्यास दिल्ली। क्या कहने, वाह वाह। हो रहा बस विकास दिल्ली। वाह वाह वाह। देख कर के हुआ अचंभा के, देख कर के हुआ अचंभा के, कितनी मक्का है खास दिल्ली। वाह 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 वाह। हो रहा बस विकास दिल्ली में, महंगे दामों पे बिक रही देखो, महंगे दामों पे बिक रही देखो, महंगे दामों पे बिक रही देखो, मेरे गांव की घास दिल्ली। क्या कहने, वाह वाह वाह। मेरे गांव की घास दिल्ली में। क्या अगला शेर देखिए, जिनसे कुछ भी नहीं है छिप पाता, क्या कहने, जिनसे कुछ भी नहीं है छिप पाता, वाह वाह वाह। देखे ऐसे
लिबास दिल्ली में, क्या कहने, दिल्ली में वाह 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 देखे ऐसे लिबास, क्या कहने में वाह। और आखिरी शेर जो मैं सुनाना चाहता हूँ, इसकी भूमिका मैंने मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियों से ली है। देखिए पूरे संसार में केवल दो तरह के धर्म हैं और दो ही जातियां हैं, एक शोषक और शोषित, इसके अलावा ना तो कोई तीसरा धर्म है ना कोई तीसरी जाति है। प्रेमचंद की कहानियों में अक्सर जमींदारी तो नाम आता है रामधन, और एक जो कि शोषक वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, और एक होरी, एक मासूम सा होरी, एक गांव का किसान, उसका जिक्र होता है। मैंने वहीं से ये दो पात्र अपने शेर में उठाए हैं और ये 70 सालों का इतिहास है। रामधन तो यहाँ बहुत खुश है, रामधन तो यहाँ बहुत खुश है, और होरी उदास दिल्ली, क्या कहने हैं वाह वाह, और होरी उदास दिल्ली में, क्या कहने वाह। चंद लाइनें आपके सामने और नजर करता हूँ, ये पहली बार मैं किसी मंच पे पढ़ रहा हूँ, और बात होरी की आई तो इस देश के आम आदमी जो सबसे कॉमन होता है, हमारे देश की ज्यादा जनसंख्या गांव में निवास करती है, अब उसकी कहानी मैं आपके सामने रख रहा हूं। इशार। बहुत सुन चुका है, बहुत कह चुका है, ये आम आदमी है, बहुत सह चुका है, वाह 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 वाह, बहुत सुन चुका है, बहुत कह चुका है, ये आम आदमी है, बहुत सह चुका है, तुम्हें होंगे दो पल बिताने भी मुश्किल, क्या कहें, वाह वाह वाह, तुम्हें होंगे दो पल बिताने भी मुश्किल, ये जिस घर में बरसों बरस रह चुका, वाह वाह वाह, ये आम आदमी है, बहुत सह चुका है, क्या कह रहे, कभी सूखी रोटी कभी सिर्फ पानी, कभी सूखी रोटी कभी सिर्फ पानी, ये भूखा भी कितने दिनों रह चुका है, ये आम आदमी है, बहुत सह चुका है, समझना न इसको कि सच्चा है ये, वाह, समझना न इसको कि सच्चा है ये, कि सच्चा है ये, झूठ बच्चों से अपने बहुत कह चुका है, वाह वाह वाह, ये आम आदमी है, बहुत सह चुका है, क्या कहने, वाह वाह वाह, वो कपड़े खिलौने वो बर्फी के वादे, वाह वाह वाह, वो कपड़े खिलौने वो बर्फी के वादे, वो बर्फी के वादे, पिछले हफ्ते ही कितने दफे कह चुका, क्या कहने, वाह 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 वाह। और ये आखिरी दो पंक्तियां इसकी, जी, वो दो दिन से अपने नहीं लौटा घर पे, वो दो दिन से अपने नहीं लौटा घर पे, नहीं लौटा घर पे, सुना है वो गंगा के संग बह चुका है, सुना है वो गंगा के संग बह चुका है, संग बह चुका, क्या कहे, जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाबे डॉक्टर राकेश यदुवंशी साहब ने जिंदगी के तमाम मसाइल और तमाम तजुर्बात का इजहार किया, उससे कबल उन्होंने
दिल्ली के तमाम मसाइल का भी जिक्र किया और ये सबूत पेश कर दिया कि शायर सिर्फ दिल की हिकायतें ही बयान नहीं करता, अगर उसका दिल दुखता है तो दिल्ली की शिकायतें भी करता है। बहरहाल मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और आप सभी हजरात जो बहुत संजीदा मुझे नजर आने लगे, मैं चाहता ये हूँ कि फिर से आपकी समातों में बेदारी आ जाए। ये मुशायरा जिस तरह से यहाँ एक जोश था, जिस तरह से आपकी समातें बेदार थीं, उसे मैं वापस लाने के लिए जरूरी समझता हूँ कि एक खातून से आपकी मुलाकात करवा दी जाए। लेटेस्ट कवि सम्मेलन और लेटेस्ट मुशायरे के वीडियो अपने मेल पर प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट लॉगिन करनी पड़ेगी। हमारी वेबसाइट है www.mushairalive.com। जी हाँ, हमारा कॉन्टेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। मुझे इजाजत दीजिए, शफीक खान वक्त मीडिया के लिए।